राजशाही ये दंड है ना, राजदंड, अगर राजदंड इस देश में रहता था तो आपको है ना चाय बेचने के लिए रोड के ऊपर भेजते थे और आपके ऊपर लाठी बरसाते थे राजशाही लोग। सभी लोगों को आग्रह करते हैं, ये बीजेपी का गवर्नमेंट, ये आरएसएस का गवर्नमेंट है, इन्होंने पुरोहितशाही लाने वाले है, इन्होंने सनातन संस्कृति लाने वाले है। इस देश के ओबीसी, दलित, महिला, जो भी श्रमजीवी लोग है, सभी के ऊपर इन लोग चाटी चलाने वाले है, सभी को गुलाम बनाने वाले है। अभी भी समय है, नहीं तो लोग आपको सबक सिखाते हैं। उद्घाटनेगे ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನ ಅಪಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದನೇದು। हमारे बेटियों के रोड के ऊपर आप अरेस्ट कर रहे हैं। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadulla Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 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 ದೇಖಿಯೆ ಕಲ್ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಕರಣ ಹುವಾ ಹೈ ಏಕ್ ಹುವಾ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಜೋ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಪಟು ಮಹಿಳಾ एक महीना से वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि उनका कंप्लेंट है जो संसद बीजेपी का है ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने लैंगिक अत्याचार कर रहे हैं और ये महिला उनका लैंगिक अत्याचार का शिकार बने हैं। उन कौन है? वो कुश्तीपटु एक अकादमी है, उसका अध्यक्ष है, वो गवर्नमेंट का अकादमी है। तो एक अध्यक्ष बन के महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो कंप्लेंट करके एक महीने से स्ट्राइक कर रहे हमारे महिला। कौन है महिला? हमारे देश का नाम की पूरा दुनिया में ऊंचा करे है, उन्होंने बड़ा बड़ा गोल्ड का मेडल लाए है, इतना हमारे देश का शान पूरा दुनिया में ऊपर करे सो हमारे महिला आज एक महीना से रोड पे बैठ कर उन्होंने न्याय के लिए लड़ रहे है। और कल इसके साथ साथ एक और एक इंसिडेंट हुआ, हमारे जो मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नया हमारे पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करे है, उद्घाटन करे है। कि उस पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कौन करना था? राष्ट्रपति करना था, प्रधानमंत्री नहीं। और जो भी वो पुरोहित लोग अंदर आए हैं वो हमारे भारतीय सभी संस्कृति का रिप्रेजेंट नहीं है, उन्होंने नहीं है। हमारे देश में बहुत सांस्कृतिक परंपरा है, सिर्फ होम हवन नहीं है, बहुत सारे परंपरा है। और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, लिंगायत, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग इस देशवासी है। एक पुरोहितशाही हमारे देशवासी नहीं है। मगर हमारे मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री जी ने, जिस संविधान का सहारा लेकर चुन के प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने उस संविधान का, उस फेडरल सिस्टम का, इस डेमोक्रेसी का नाश करने का प्रतिज्ञा करे है। कल जो नागपुर का आरएसएस वालों ने तय करे, उनका एजेंडा जारी कर रहे, इसलिए उन्होंने हमारे राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाए है। क्यों नहीं बुलाए? उन्हें एक महिला है, उन्हें एक विडो है, उन्हें एक अस्पृश्य महिला है, इसलिए नहीं बुलाए। मनुस्मृति में कि 9 चैप्टर से लेकर आप पढ़ो, वहां कहते हैं महिला उन्हें इज्जत के लिए कोई उनको गौरव नहीं देना, उनको कभी इज्जत नहीं करना, उन्हें क्या है? उन्हें नरक है, उन्हें स्मशान है, उनको कभी इज्जत नहीं देना, उनको स्वतंत्र नहीं देना, ये 9 चैप्टर में है। आप पढ़ो मनुस्मृति में, सभी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ कि वो बात आप कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जारी करे है। जो न्याय के लिए लड़ रहे थे महिला हमारे, उनके ऊपर केस डाले है, एफआईआर करे है, बंधन करे है, और रोड के ऊपर पुरुष पुलिसों ने हाथ पकड़ के अरेस्ट करे है। इल्लीगल है, वो इल्लीगल है कि उन सूचना दिया है। अभी भारत देश में प्रजाप्रभुत्व नहीं चलेगा, अभी राजशाही चलेगा। राजशाही कैसा? उन वो जो दंड है हमारे देश में
चालुक्य चोल का हाँ चोल के सल्तनत से एक दंड दिया है, वो कोई हमारे देश का सिग्नल नहीं है, सिंबल नहीं है, वो कुछ महत्व की बात नहीं है। मगर हमारे मोदी जी ने वो सेंगल लेकर, ये राजदंड है, अब ऐसा हम चलाएंगे। हमारे राजदंड अभी खत्म हो के बहुत साल हो गया। हमारे देश में अगर कुछ चलता है तो प्रजाप्रभुत्व चलता है, इनका राजशाही नहीं चलता है। इन्हों प्रजाप्रभुत्व निकालकर राजशाही लाने के लिए कल इन दो इंसिडेंट करे है। इसीलिए हमने सभी लोगों को आग्रह करते हैं, ये बीजेपी का गवर्नमेंट, ये आरएसएस का गवर्नमेंट है, इन्होंने पुरोहितशाही लाने वाले है, इन्होंने सनातन संस्कृति लाने वाले है। इस देश के ओबीसी, दलित, महिला, जो भी श्रमजीवी लोग है, सभी के ऊपर इन लोग चाटी चलाने वाले है, सभी को गुलाम बनाने वाले है, मनुस्मृति लाने वाले है। और इन्हों इतना निर्भय से कल कि वहां उद्घाटन हुआ पुरोहित लोगों के हाथ से, यहां रोड के ऊपर हमारे महिलाओं के ऊपर उन्हें लाठी बरसाए, अरेस्ट करे। हम आग्रह करते हैं, अभी भी हम आग्रह करते हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे संविधान के ऊपर हम बनाए हैं, आपका राजशाही नहीं। अगर आपके राजशाही ये दंड है ना, राजदंड, अगर राजदंड इस देश में रहता था तो आपको है ना चाय बेचने के लिए रोड के ऊपर भेजते थे और आपके ऊपर लाठी बरसाते थे राजशाही लोग। आपके आप अगर हमारे प्रधानमंत्री बने हैं इस देश का, तो यहाँ प्रजाप्रभुत्व का कारण है। इसीलिए हम आज हमने आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, नहीं तो लोग आपको सबक सिखाते हैं। हम सब याद रख रहे हैं, कुछ नहीं भूलेंगे हम। हमारे बेटियों के रोड के ऊपर आप अरेस्ट कर रहे हैं, सभी केस निकालो, एफआईआर रद्द करो। ब्रिजभूषण सिंह जो अत्याचारी है, जिनके ऊपर आरोप है, उनको अंदर बिठाए हैं, उनको जेल के अंदर पहला भेजो। और आपने ये जो हरकतें सब कर रहे हैं ना, ये छोड़ो, नहीं तो लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। ये कहने के लिए आज सीपीआईएम पार्टी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमिटी डिस्ट्रिक्ट डीसी के थ्रू हमने राष्ट्रपति को लेटर भेजे हैं, और राष्ट्रपति को भी हम आग्रह कर रहे हैं, मैडम आप हमारे देश का पहला प्रजा है, पहला नागरिक है, कि आपको भी उन्होंने अपमान करे है और इस देश को भी कर रहे हैं, कि आप चुप मत बैठो, कि आप प्राइम मिनिस्टर लीगली प्रधानमंत्री से भी आप ऊपर है, आप इस देश को बचाना आपके हाथ में है, आप चुप मत बैठो। अगर आप मम चुप बैठे तो इस देश में बहुत बड़ा स्वतंत्र आंदोलन का ये जुलूस शुरू हो जाता है। ये हमने प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह कर रहे हैं कि इस देश को बचाओ और इस देश का संविधान को बचाओ, इस देश का बेटियों को बचाओ। इस देश को बेटियों को बचाने के नाम पे बेटियों के साथ हरकतें कर रहे हैं, ये सब आप कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये आज आप हमने जिला समिति से मेमोरेंडम दिया है। इवत्तु देश विश्वद एदुरु नाचिकेयिंद तले तग्गिसुवंतागिदे। एरडु मुख्यवाद कारणगळु निन्ने घटिसिवे। मोदलने कारण अंद्रे ನಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಗರಿಕರಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವಳೊಬ್ಬ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದವಳು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಅದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಮರಳುಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಭ್ರಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಗೊಂಬೆ, ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನ ಅಪಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದನೆಯದು. ಎರಡನೇದು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಸಮೇತ ಮುಷ್ಕರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನೇಶ್ ಪೊಗೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜರಂಗಿ ಪೊಗೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರುಷರು ಎಳೆದಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕಿ
ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ನಕ್ಕೊತ್ತು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಸದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವು ಅಂದರೆ ನಂಬಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಇಲ್ಲ, ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಇಲ್ಲ, ಭೇಟಿಕೋ ಹರಾವೋ, ಭೇಟಿಕೋ ಸರ್ವನಾಶಕರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ಕರಾಳವಾದ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಮಹಿಳಾ ಲೋಕ ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ.